हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु श्री चैतन्य देव, जिनका जन्म मायापुर में हुआ था, उनको हर कोई जानता है। इवन UPSC एग्ज़ाम में भी उनके बारे में प्रश्न आया था। उनका जन्म एक नीम के पेड़ के नीचे हुआ था, इसीलिए उनका दूसरा नाम निमाई है। और बचपन से ही उनका जीवन परिश्रम से गुजरा है। उनके पिताजी बहुत कम उम्र में चल बसे थे, इसीलिए उनका जीवन में जो परिश्रम था वो शुरू हो गया था। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीज व्लॉग। आज हम आए हैं मायापुर व्लॉग पार्ट 3 में। तो सुबह उठ के हम लोग निकल गए थे चाय पीने के लिए। जी हाँ, उधर पे हम लोग जहाँ रहते थे भवन में, उधर का हर भवन का ही नियम था कि बाहर का कुछ आप अंदर लेके नहीं आ सकते। वो खाना हो, चाय हो या फिर कुछ भी हो, आप अंदर लेके आके उसको नहीं खा पाएंगे। इसलिए हम लोग बाहर निकल गए थे चाय पीने के लिए। तो महाप्रभु श्री चैतन्य देव जो जगन्नाथ जी के मंदिर में जाके विलीन हो गए थे, ये हम सबको पता है। हम लोग चाय पी के आके उसके बाद रेडी होके निकल गए थे। आज हम लोग पहले राधा कृष्ण जी इस्कॉन मंदिर जाके घूम के आए, उसके बाद हम लोग गए थे महाप्रभु श्रीला प्रभुपदा जी के समाधि मंदिर में। आप देख सकते हैं उधर पे व्यूज़ बहुत अच्छा है। मैंने पूरा वीडियो जहाँ तक मैं ले सकते थे वहाँ तक का वीडियो मैंने लिया है। और उधर पे बैठने का भी जगह है, और सबसे बढ़िया बात उधर पे पीने का पानी, हाथ धोने का पानी, बाथरूम, फ़ोन रखने की जगह, शूज़ रखने की जगह, सब कुछ आपको मिल जाता है। और महाप्रभु श्री चैतन्य देव के बारे में तो हम लोगों ने सुना कि उनको निमाई बोलते हैं। उनका और एक भी नाम था, उनका नाम गोराचांद था। अब ये गोराचांद नाम क्यों है? क्योंकि उनका जो स्किन का कलर था वो इतना ज़्यादा गोरा था कि उनको गोराचांद या फिर गोरांग भी कहते थे। बहुत छोटे से ही उनका परिश्रम शुरू हो गया था, जैसा कि मैंने बोला था, क्योंकि उनके पिताजी गुजर गए थे। इसके बाद उन्होंने 20 साल की उम्र में अपना एक टोल खोला था। टोल यानी जहाँ पे वो सबका शिक्षा देते थे। लेकिन धीरे धीरे उनको ये जीवन अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने संन्यास धर्म ग्रहण कर लिया था। अभी संन्यास धर्म ग्रहण करने के बाद वो सबको प्रेम के बारे में समझाने लगा और अहिंसा रखने के लिए बोला। अहिंसा मतलब मन में हिंसा ना रखे। हिंसा रखने से किसी का मन अच्छा नहीं होता है। तो उनका मूल वक्तव्य ही था अहिंसा। और वो कृष्ण नाम जप करते थे, कृष्ण नाम गाते थे, हर जगह पे वो कृष्ण कृष्ण करते थे। लेकिन हम सबको तो पता ही, वो भगवान श्री कृष्ण का खुद का और एक रूप थे। भगवान श्री कृष्ण का रूप जो थे वो थे महाप्रभु श्री चैतन्य देव। तो जगन्नाथ जी के मंदिर जाते वक्त हम सबको पता है कि समुद्र में वो विलीन हो गए हैं। उनको और देखा नहीं गया, बहुत ढूंढने की कोशिश किया सब ने, लेकिन फिर भी उनको नहीं मिला है। और ये देख सकते हैं कि सबके बैठ के रेस्ट कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर जगह। तो उधर पे अगर आप घंटों तक बैठे तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, उल्टा अच्छा लगेगा। इतना सुंदर उधर का माहौल था, चारों तरफ पक्षियों का आवाज़, सामने जो छोटा पॉन्ड, मंदिर, सब कुछ। और बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन, साफ सुथरा, ये सब और भी अच्छा बना देता है माहौल को। फिर भी मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आपको जाना ही है मंदिर या फिर कहीं पे भी आपको घूमने जाना है तो विंटर सीजन बेटर है, क्योंकि गर्मी के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। हम लोग गए थे तो उस टाइम इतना ज़्यादा गर्म था कि खाली पैर चला भी नहीं जा रहा था। लेकिन अभी गए हैं घूमने तो जाएंगे और व्यूअर्स को भी दिखाएंगे कि कैसा है जगह। मैंने पूरा वीडियो किया है कि क्या नहीं है, कहाँ से जाते हैं, लेकिन मंदिर का अंदर का वीडियो मेरे पास नहीं है, इसीलिए क्योंकि उधर पर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है। और दूसरा बात, कैमरा ले जाना शायद इस्कॉन मंदिर में अलाउ है, लेकिन ये मंदिर में अलाउ है कि नहीं मुझे नहीं पता। इस मंदिर का और एक खासियत है, इधर पर म्यूज़ियम है।
आपको म्यूज़ियम भी मिलेगा जहाँ पे वैरायटी चीज़ है देखने के लिए। हम लोग म्यूज़ियम नहीं जा पाए थे क्योंकि बारिश हो रहा था बहुत ज़्यादा, और हम लोग शाम को जब फिर से गए थे तब म्यूज़ियम देखने के लिए गए थे। सुबह तो ऐसे देख के चले आए थे, लेकिन शाम को जब गए थे तो इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था तो हम लोग को फटाफट घर आना पड़ा, मतलब जहाँ पे रूम था हम लोगों का उधर पे आना पड़ा। तो हम लोग आ गए थे, लेकिन आप अगर जाएंगे तो आप ज़रूर देखिएगा इधर पे। और देखिए छोटा छोटा बहुत सारे मंदिर है जहाँ पे, और भी बहुत सारे जो शिष्य है या फिर जो गुरु जी है उनका सबका आपको मिल जाएगा नाम और उनका फ़ोटो जहाँ पे रोज़ पूजा होता है। एक अच्छा बात उधर का है कि उधर पे आपको विदेशी देखने मिलेंगे, उन विदेशी जो हम लोगों को कल्चर, हम लोगों का जो कल्चर है उनको इतना अच्छा से अपना बना लिया है, उनको इतना अच्छा से प्रॉपर मेंटेन करते हैं, मतलब देख के ही आपको लगेगा कि कितने अच्छे हैं। हम लोग खुद उतना नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग को भी उतना ही करना चाहिए। हम लोगों को भी, हम लोग का जो भगवान है उनको सम्मान देना चाहिए, हर भगवान को सम्मान देना चाहिए। वो अगर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और उनके अंदर जो श्रद्धा है वो आपको देख के इतना अच्छा लगेगा कि आप भी, तब आपको भी इच्छा होगा कि हम क्यों नहीं करें, हमको भी करना चाहिए। और बहुत सुंदर उधर का व्यू है, उधर पे और भी ज़्यादा मंदिर है, और भी बहुत जगह घूमने का है, लेकिन हम लोग सिर्फ 2 दिन के ट्रिप के लिए गए थे इसीलिए हम ज़्यादा घूम नहीं पाए। जितना घूमे उनका ही वीडियो है, ये मेरा व्लॉग का लास्ट पार्ट है, और ये जो व्लॉग है इसके बाद मैं दूसरा, अगर कभी दूसरे कई जगह पे जाओ तो दूसरा चीज़ का व्लॉग मैं बनाऊँगा, दूसरा जगह का व्लॉग बनाऊँगा और आप लोगों को दूंगा। इस जगह पर आने के लिए जो रूट है वो मेन तो कृष्णनगर, मतलब जो कृष्णनगर से तो आप आ सकते हैं, और नवद्वीप से आपको जाना पड़ता है, और जहाँ पे नदी पार करना पड़ता है अगर आप नवद्वीप से जाए, लेकिन कृष्णनगर से जाए तो आप उधर पे आपको नदी पार नहीं करना होगा, शायद बाय बस से उधर आप जा सकते हैं। बहुत सुंदर व्यूज़ उधर पे है, आपको जाके इतना अच्छा लगेगा। आप अगर चाहे 2 दिन की छुट्टी के लिए कहाँ जाए, कहाँ घूम के, तो आप ऑब्वियसली मायापुर आके घूम के जाइए। मेरा खुद का दावा है कि आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा फील होगा कि आप खुद कहेंगे कि हाँ ये डिसीजन सही था। अब हम इधर से बाहर जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि बाहर जाने के रास्ते पे आपको बहुत सारे दुकान मिल जाएंगे जहाँ से आप अगर चाहे तो कुछ खरीद सकते हैं। ये मैं मंदिर का व्यू आपको दिखा रही हूँ बाहर से, और ये देख सकते हैं दुकान शुरू हो रहा है इधर पे। और मंदिर के अंदर पे भी एक म्यूज़ियम है जहाँ पे आप कुछ खरीद सकते हैं अगर चाहे तो। फिर हम खाना खाने आ गए, ये देख सकते हैं हम लोग खाना लेके बैठ गए थे। प्रॉपर टाइम में जाएंगे तो आपको खाना मिलेगा, नहीं तो नहीं भी मिल सकता है। शाम में रेडी होके ये मैं थोड़ा शॉर्ट व्लॉग वीडियो कर रही थी, और ये नया गोपी ड्रेस मैंने उधर ही ख़रीदा था और उसी दिन पहना था शाम के लिए। और ये मंदिर शाम को देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। और उधर पे जाते जाते आपको एक पार्क जैसा भी मिल जाएगा जहाँ पे और भी बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह देख सकते हैं, आपको वीडियो भी दिखाते हैं कैसे श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और सुबह होते हम लोग निकल गए और सुबह का सनराइज़ व्यू कितना अच्छा लग रहा है आप देख ही सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे मुझे प्लीज़ बताइएगा, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय गाइज़।